हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग आरडी व्लॉग्स। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि काफी जो लोग हैं वो ऑफिस बॉय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऑफिस बॉय की जॉब कैसी है, कैसे मिलती है और ओवर टाइम कमा पाता है या नहीं। ऑफिस बॉय का जो भी सिस्टम है एक बार उसके बारे में खुल के बता दो भाई। तो देखो भाई, मैं तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही बातें शेयर करता हूँ। मेरे पास कोई प्रॉपर एक्सट्रीमली नॉलेज तो है नहीं जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ जो प्रॉपर है, लेकिन जो अपने एक्सपीरियंस है, जो मेरे भाई आपसरी में काम करते हैं, जहाँ मैं ड्यूटी पे काम करता हूँ वहाँ जो ऑफिस बॉय है और इसके अलावा उनके दो यार दोस्त है, उनसे मैंने बातें करके आप लोगों को मैं बातें बताने जा रहा हूँ। तो बात को ध्यान से सुन लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो एक्चुअली क्या है कि मेरी लोकेशन पे दो भाई साहब है जो कि ऑफिस बॉय का काम करते हैं और उनका टाइमिंग शुरू होता है कि वो सुबह 7 बजे वहां से निकल लेते हैं अपने कैंप से, सुबह 7 बजे से लेके और शाम के 2 बजे तक, मतलब बैंक की ड्यूटी है तो 2 बजे बैंक क्लोज हो जाता है और उनका काम हो जाता है खत्म। तो 2 बजे भाई साहब वो फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद अगर वो चाहे तो अपने 3 बजे उनकी बस आ जाती है, वो बस में वापिस जा सकते हैं अपने कैंप में, अपने रूम में। बट मोस्टली जो ऑफिस बॉय है वो क्या करते हैं, विद क्लीनर के साथ मिलके या खुद ऑफिस बॉय, उनको लोग मिल जाते हैं कहीं पे, जैसे कोई कंपनी का काम आता है कि जैसे कि बैंक में तो यार लोग आते जाते रहते हैं, सो उनसे कॉन्टेक्ट हो जाता है कि भाई तुम मेरी दुकान की सफाई करते हैं या एक बार हमारे घर में आ जा भाई। किसी का पर्सनल क्लीनिंग का काम बता रहा हूँ मैं, जो ये ऑफिस बॉय है वो क्लीनिंग का भी काम कर लेते हैं और उसके साथ मिलके ओवर टाइम बहुत अच्छा बन जाता है उनका। लाइक अभी जो ऑफिस बॉय की सैलरी है वो अराउंड 1500 दिरहम से लेके 1800 दिरहम की है, जो मैं अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन वो ओवर टाइम कमा के, मतलब दिन का कभी उनको, उनकी किस्मत की अच्छी बात है, कभी उनको 70 दिरहम, कभी 150 दिरहम और कभी कभी 350 दिरहम, 250 दिरहम, 500 दिरहम, ऐसे ऐसे उनको, मतलब उनकी किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है। वो ऑलमोस्ट 3500-4000 दिरहम तक वेरी इजिली कमा लेते हैं, लेकिन वेरी इजिली मैं गलत बोल गया, एक बात तो है। उनको मैं कई बार मैं उनकी बातें सुनता हूँ, वो रात को 12:30 बजे आते हैं, कभी 2 बजे आते हैं, कभी 11 बजे काम खत्म हो जाता है, कभी 10 बजे काम खत्म हो जाता है। तो जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे उतना लेट तक रात को काम करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी यार। और फिर सुबह आके मेरे को बताते हैं भाई रात को कल इतना सारा काम था, मैं वो उस काम में बिजी हो गया था, ये था वो था। तो उनकी स्टोरी सुन के मेरे को लगता है यार, देख मैं उनको बोलता हूँ कि तुम लोग सिक्योरिटी में आ जाओ भाई, सिक्योरिटी में 12 घंटे की ड्यूटी है और 3500 जितनी भी बनेगी पीएसबीटी में आपका वहां कमाओ। लेकिन नहीं, वो खुश है उस काम में, खुश है, उनको बढ़िया। बोला नहीं यार, सिक्योरिटी की इतनी लंबी लगातार ड्यूटी कौन करेगा, एक ही जगह पे बोर हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ऑफिस बॉय की सैलरी कितनी है, भाई सैलरी है 1500 दिरहम और ओवर टाइम लगा के 3000 तक आराम से बना सकता है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, एज आई हैव सेड यू ऑलरेडी कि रात को 12:12 बजे 1-1 बजे आना पड़ता है। तो ये है सारा सिस्टम ऑफिस बॉय का। और यहाँ की एक कंपनी है MBM कंपनी जो कि बहुत फेमस है, उसमें क्लीनिंग का काम होता है या ऑफिस बॉय का काम होता है वो प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, नामी कंपनी है, मैंने दुबई में भी देखी, शारजा में भी देखी और अबू धाबी में भी मैंने वो कंपनी देखी है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनी है, अगर उसके बारे में आप इंटरेस्टेड है तो उनके बारे में भी मैं बता दूंगा। और आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, समाप्त कर देते हैं अभी इस वीडियो को, क्योंकि मेरी जो लोकेशन है मैं अभी रूम पे पहुंचने वाला हूँ। तो आपको मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जाना और वीडियो को शेयर कर दो सभी भाइयों को जो भाई ऑफिस बॉय के काम में आने के बारे में सोच रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं, बाय।